दोस्तों, कई लोगों को एक मारुति कार खरीदने के लिए बैंक से लोन तक लेना पड़ जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसके पास 7000 कारें हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के पास स्थित ब्रुनेई देश के प्रिंस हसनल बोलखिया के पास 7000 लग्जरी कारें हैं। हसनल के कारों के कलेक्शन में 600 रोल्स रॉयस, 300 फरारी और 574 मर्सिडीज गाड़ियाँ हैं। अब आपके मन में कई सारे सवाल उठते होंगे कि उनकी कमाई का जरिया असल में क्या है। मैं आपको बता दूं कि उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल का भंडार और गैस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रेडबुल कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि हर साल करोड़ों एनर्जी ड्रिंक्स को बेचता है। रेडबुल का सारा प्रोडक्शन एक रॉस नाम की कंपनी करती है और रेडबुल की रेसिपी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी इसे बना सकता है। इसे रेडबुल से सस्ते में भी बेच सकता है, लेकिन इसके बावजूद रेडबुल इतना सक्सेसफुल है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के दम पर। दरअसल रेडबुल अपनी कंपनी का 35% पैसों को अपनी कंपनी के मार्केटिंग में खर्च कर देता है, जो कि दूसरी कंपनियों से कई गुना ज्यादा है। इसलिए वो इतना पैसा खर्च करता है ताकि आप लोग रेडबुल के नाम पर ऐसी ड्रिंक खरीदते रहे जिसे वो बनाता तक नहीं है। 1970 में नेस्ले कंपनी ने जापान में कॉफी बेचना शुरू किया। उस समय ये अपने बिजनेस में बुरी तरह असफल हुए। इसकी वजह थी, जापान में लोग चाय को ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो कॉफ़ी के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। फिर नेस्ले ने कुछ ऐसा किया, जापान का पूरा कल्चर ही बदल दिया। दरअसल नेस्ले ने जापान में कॉफ़ी फ्लेवर की कैंडी लॉन्च की, जिसके कारण जापान के लोगों को कॉफ़ी की लत लग गई। इसके बाद कॉफ़ी जापान की कल्चर बन गई है और अब 50 साल के बाद जापान हर साल कॉफ़ी पर 1.5 लाख करोड़ खर्च करता है। इस तरह नेस्ले कॉफ़ी जापान में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। दोस्तों, ये अमेजिंग फैक्ट वीडियो आप सभी को कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।